मार्केट आउटलुक 2023, स्वागत है आप सबका ही हमारी इस खास सीरीज में। और आज हमारे साथ देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ पीएमएस और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ के हेड आनंद शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और आनंद शाह साहब का मैं आपको परिचय दे दूँ, उन्होंने आईआईएम लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बैचलर्स की डिग्री हासिल की है उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत से। उसके बाद से उनको फंड मैनेजमेंट का लंबा गहरा अनुभव है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के साथ लगभग साल भर से वो हैं और उससे पहले उन्होंने लंबा काम किया है एनजे एसेट मैनेजमेंट में सीईओ के तौर पर, और उससे पहले बीएनपी पारिवा जैसे म्यूचुअल फंड के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की पूरी टीम और आपके सभी लाखों निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बिजनेस की तरफ से, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का भी। सबसे पहले शुरुआत बाजार के आउटलुक के साथ ही करते हैं। 2022 हमारे लिए आज से तो काफी अच्छा रहा, भले ग्लोबल दिक्कतें रही, ये बताएं सर दुनिया भर के बाजारों में क्या कुछ बेहतर प्रदर्शन दिखेगा 2023 में, या फिर मुश्किलें रहेंगी, आपका क्या असेसमेंट है? शुक्रिया हमें इस शो पे आमंत्रित करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बिहाफ से आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं 2023 के लिए, आपके प्रेक्षकों के लिए भी। आपने सही कहा, एक्चुअली 2022 बहुत डिफिकल्ट लग रहा था हर तरीके से। चाइना लॉकडाउन था और यूरोप में तो हम पता ही है क्या हो रहा था, बट उस बीच इंडिया वॉज अ शाइनिंग स्टार। इंडिया ने बॉटम अप काफी ठीक किया, मेरे ख्याल से 2023 एक्चुअली विल बी बेटर। हम देखेंगे ग्लोबली मार्केट्स में सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, तकलीफें थोड़ी कम होती जाएगी। जैसे चाइना ओपन अप हो रहा है उसमें इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, थोड़ा तकलीफ होगा। जैसे हर एक कंट्री में हुआ, जब हमने इकोनॉमी ओपन अप किया पहले केसेस बढ़े और फिर ठीक हो गया, तो वैसे ही चाइना में तकरीबन 2-3 महीने तक थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा, बट उसके बाद 9 महीने शुड बी गुड फ्रॉम ग्लोबल ग्रोथ परस्पेक्टिव। चाइना एक बड़ी 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 इकोनॉमी है। सिमिलरली यूरोप में भी हमें हमारा मानना है थिंग्स विल गेट बेटर। वहां पे भी जिस तरीके की तकलीफ थी, एनर्जी प्राइसेस बड़े हाई थे, गैस प्राइस बड़े हाई थे, वहां से काफी करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। मेरे ख्याल से अगले साल तक वहां पे भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो यूएस मार्केट हो गया, वहां पे अभी और 6 महीने तक आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे। उनका फेडरल पॉलिसी का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी टाइट रहेगी, बट वहां पे भी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हम जिनसे बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में जुलाई से वहां जाके भी थोड़ा यू नो इंटरेस्ट रेट्स स्टेबिलाइज होकर कट होने की संभावना है। तो ग्लोबली थोड़ा सपोर्ट रहेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया मार्केट्स ने ठीक किया है। आई थिंक अगेन मार्केट का एक्सपेक्टेशन में वी आर वेरी क्लियर, इट इज अ ईयर ऑफ स्टॉक पिकिंग। ये साल में स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स में रहना बहुत जरूरी रहेगा, और वहीं पे यू नो हमारी काफी रिसर्च टीम और फंड मैनेजमेंट टीम कंटिन्यूसली इवेल्युएट करती है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड सम सेक्टर्स वेयर वी बिलीव अपॉर्चुनिटीज बेटर है। बिल्कुल, तो भारतीय बाजारों पर और भारतीय इकोनॉमी पर पॉजिटिव है, ग्लोबल चिंताएं थोड़ी है लेकिन सुधरती हुई दिखेगी, यानी कि 2023 के लिए ओवरऑल आउटलुक अच्छा है। अच्छा बताएं सर, आप कह भी रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप बड़े पॉजिटिव हैं, बुलिश है, जहां आउटलुक थोड़ा बेहतर दिख रहा है, जरा उन्हें विस्तार से बताएं सर। सो आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके इर्द गिर्द जो सेक्टर्स है उसके बारे में हम काफी पॉजिटिव रहे हैं, और रीजन है कि तकरीबन 10-15 साल तक एक चाइना का डोमिनेंस रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना के पास हर एक चीज में ओवर कैपेसिटी था, उनके गवर्नमेंट का मैसिव सपोर्ट था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, और उनका लेबर कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट सब बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव था। आई थिंक वो पिछले 3-4 साल से थोड़ा चेंज होते जा रहा है, उनका पोल्यूशन पे यू नो पोल्यूशन कंट्रोल पे काफी फोकस रहा है पिछले 4-5 साल से, उनका लेबर कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड चाइना, और वो हम एक्चुअली वियतनाम जैसे कंट्री में या बर्मा बांग्लादेश में ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी काफी सारे देशों को जब चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा फोकस कम कर रहा है, बाकी काफी छोटे और इमर्जिंग इकोनॉमीज जहाँ पे लेबर कॉस्ट
रीजनेबल है, उनको फायदा हो रहा है। आई थिंक इंडिया का भी वही हो रहा है। इंडिया में हम काफी टाइम से, आप सुनते होंगे अब पिछले 2 साल में ज्यादा सुनते हैं चाइना प्लस वन, और यू नो पिछले 1 साल में यूरोप प्लस वन भी सुना है। मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग हैड अ वेरी टफ टाइम। मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10-15 साल काफी टफ टाइम्स रहा है, स्पेशली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। काफी रिस्ट्रक्चरिंग्स किया है, कंपनी हैज बिकम बेटर। तो मेरे ख्याल से देर आर मेनी सेक्टर्स, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, मेटल्स हो गया, ऑटो एंसिलरीज हो गया, सीमेंट, दिस आर मेनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहाँ पे केमिकल्स जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफी पॉजिटिव है। और मैन्युफैक्चरिंग अलाइड जैसे बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर हमने भी, जहाँ पे हमें काफी आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। कैपिटल गुड्स यू हैव सीन, वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर बुक्स इंप्रूव हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की कंपनियां, यूटिलिटीज, पावर, दोज कंपनीज आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग। सो आई थिंक माहौल बनते जा रहा है जहां पे यू नो पिछले 10 साल अगर आप देखेंगे तो काफी फोकस B2C बिजनेसेस पे, काफी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस पे था। बट आई थिंक नेक्स्ट 5 साल मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होना जरूरी है। काफी थीम्स ऐसी हैं जहाँ बढ़िया मौके बन सकते हैं, और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है वो बहुत ही जबरदस्त रह सकती है इस साल भी आपके लिए पैसा लगाने के लिए आज से। और भारत को अल्टरनेट के तौर पर दुनिया भर के देश देख रहे हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और कोई ऐसी थीम्स हैं सर, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप आगे चलते हुए थोड़ा इस साल के लिए या अगले 1-2 साल के लिए पॉजिटिव रुझान देखते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे सेक्टर्स जो ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं, मसलन IT, मेटल्स, इनको लेकर लोग थोड़े अभी भी डरे हुए हैं, जरा उन पर भी व्यू दें सर। आई थिंक एज आई सेड मेटल्स में तो थोड़ा आउटलुक इम्प्रूव होते जाएगा। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना इज अ वेरी लार्ज प्रोड्यूसर और काफी बड़ा कंज्यूमर भी है, और वहां पे हमने देखा क्या हुआ है पिछले साल लॉकडाउन की वजह से। सो वो एक मेटल्स में इंक्रीमेंटली हमारा मानना है धीरे धीरे, आई मीन धीरे धीरे थिंग्स विल इम्प्रूव। IT सेक्टर का एक्चुअली काफी यू नो बिजनेस US और डेवलपिंग वर्ल्ड से आता है, और वहां पे जैसे मैं पहले कहा आई थिंक रिकवरी थोड़ा लेट, तकरीबन सेकेंड हाफ जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स इज वेन हमारा मानना है US में थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि किस तरफ ब्याज दर जा रहा है वहां पे, और ब्याज दर बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये जब अनसर्टेनिटी रहेगा उसकी वजह से तकरीबन और 1 या 2 क्वार्टर तक थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा IT सेक्टर में। बट IT सेक्टर की कंपनियां हमें सबको पता है काफी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रांग, दे आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। सो यस, वो सेक्टर में भी तकरीबन सेकेंड हाफ में आउटलुक पॉजिटिव हो सकता है। तो ये है आपके लिए सारे सेक्टर्स पर राय आनंद सर की तरफ से। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, ग्लोबल मार्केट्स, भारतीय बाजारों पर और सारे सेक्टर्स पर अपना व्यू हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।